नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति जो ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसके तहत 12वें लोकसभा चुनाव के बारे में आपको रोचक जानकारी देंगे, मजेदार जानकारी देंगे जो आपके लिए बड़ी ज्ञानवर्धक होंगी। हम आपको बता दें 12वीं जो लोकसभा चुनाव जो थे ये इसका कार्यालय सबसे छोटा कार्यालय है, मात्र 13वीं, और 13वीं ने भी ये 14 जो पार्टी थी उनका महागठबंधन था उसको मिलाकर जब ये सरकार चलाई थी। तो याद करने ट्रिक इसकी क्या है, 12वीं लोकसभा 13वीं ने चली और 14 जो पार्टी थी आपस में मिलकर उन्होंने महागठबंधन बनाना। इसके अलावा इसकी और मजेदार जानकारी अगर आपको दें तो हम आपको बता दें इसके जो मतदान की जो तारीख थी 16 फरवरी से लेकर 17 मार्च 1998 तक इसमें मतदान हुआ था, और इसका कार्यकाल अगर देखें तो 18 मार्च से 1998 से लेकर 26 अप्रैल 1999 तक, तो इसका कार्यकाल ये था। मतदान की जो अगर बात करें आबादी 60 करोड़ थी लगभग, और मतदान भी 60% हुआ था। इसके अलावा कुल सीट 547 थी और बहुमत के लिए यानी मेजोरिटी के लिए 273 चाहिए थी, और उम्मीदवार टोटल उम्मीदवार जो थे 4,750 थे, और उनमें से 73 यानी लगभग 74% जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 7 राष्ट्रीय दल थे और वर्तमान में 7 राष्ट्रीय दल है ये आपके जानकारी के लिए, और 170 राज्य दल। बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर सामने आई। बीजेपी जो है 182 सीटों के साथ, आपको बता दूं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर ही है, और गुजरात में जो एमएलए जो संख्या है वो 182 है। यहाँ पर बीजेपी को 182 मिले और 182 के साथ सबसे बड़ी पार्टी के उस पर आई है। राष्ट्रपति ने इसको सरकार बनाने के लिए इन्वाइट किया। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही कांग्रेस 141। इसके अलावा और बताएं आपको, अटल की सरकार चली, अटल की सरकार चली 13वीं ने। पहले आपको बता दें पहली बार जो प्रधानमंत्री जब बने तो 13 दिन, दूसरी बार बने तो 13वीं ने सरकार बनी, 14 दल आपस में मिलकर महागठबंधन बनाया, गठबंधन ठीक चल रहा था। अब जयललिता जो थी उस समय की तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और एक वोट से विश्वास मत जो है इन्होंने खो दिया, और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने त्याग पत्र दे दिया। 14 दलों का महागठबंधन था ये, और इसमें टोटल 286 सीट थी। इसके अलावा इसकी रोचक जानकारी दें, 12वीं लोकसभा चुनाव जैसे मैंने कहा सबसे छोटा कार्यकाल था इसका, और मात्र 413 दिन अब तक का रिकॉर्ड। ये 5वीं बार था जब लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो दोस्तों ये थी 12वीं लोकसभा चुनाव की कुछ मजेदार बातें, कुछ ज्ञानवर्धक बातें, ये आपको कैसी लगी हमें बताइए, और हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारा चैनल ओम ज्ञान गुरु उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।